बालाकोट एयर स्ट्राइक के 4 साल पाकिस्तान नहीं भूल सकता वो गर्जना। आतंकियों की आज भी कांपती है रूह। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 4 साल पूरे हो चुके हैं। दुश्मनों के लिए ये वो सबक था जिसके बारे में सोचकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। हुई भारतीय वायुसेना के पराक्रम की ऐसी गाथा जिसने पाकिस्तान से बदला लिया पुलवामा के शहीदों का। पुलवामा के वो शहीद जो आतंकियों की नापाक और कायराना हरकत का शिकार हुए थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने चुन चुन कर तबाह किया और दुश्मन को बता दिया कि हम कमजोर नहीं हैं। 4 साल पहले हुई ये एयर स्ट्राइक जब भी याद आती है तो देश के नागरिक जोश से भर जाते हैं। वो दिन था 26 फरवरी का और साल 2019। मंगलवार को करीब रात 3 बज रहे थे। आईएफ के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को अपने हथियारों का निशाना बनाया। सरकारी दावे बताते हैं कि इस दौरान मिराज 2000 ने आतंकियों के ठिकाने पर करीब 1000 किलो बम को गिराया था। इस हमले में 200 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया था। बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान की धरती पर किए गए इस ऑपरेशन की भनक पड़ोसी मुल्क को लगी ही नहीं। दरअसल 2019 की 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयंकर विस्फोट हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के 78 जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। पूरा देश गमजदा था। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। बस फिर क्या था, दुश्मन का पता लगते ही भारत का खून खौल उठा। 2 हफ्तों के अंदर ही 48 साल बाद भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस ऑपरेशन को बंदर नाम दिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना ने POK में प्रवेश लेकर भारत में लैंड होने तक मात्र 21 मिनट का समय लिया था। इस हमले के बाद एक नाम सामने आया था, अभिनंदन वर्धमान का, भारतीय सेना का वो जांबाज पायलट जिसने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आदेश मिलते ही 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का विमान लेकर वो हमले के लिए निकल पड़े। आसमान में उड़ते हुए अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को अपनी आंखों के सामने देखा और उसके पीछे अपना विमान लगा दिया। पाकिस्तान के पायलट ने MiG-21 को देखकर अपना रास्ता बदला और POK की तरफ मुड़ गया। अभिनंदन ने भी उसका पीछा किया और डॉग फाइट के दौरान वो भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक कंट्रोल का मैसेज नहीं सुन सके। इस वजह से वो LOC पार कर पाकिस्तानी नियंत्रण वाले इलाके में जा घुसे। इसके बावजूद अभिनंदन ने बहादुरी नहीं छोड़ी और एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को कहीं पुराने अपने MiG-21 से मार गिराया। इसी दौरान दूसरे पाकिस्तानी विमान ने उन पर मिसाइल दाग दी और अभिनंदन को MiG-21 से इजेक्ट होना पड़ा। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।